शिमला जिला के कुमारसैन थाना क्षेत्र में रिश्तों को तार तार किया है। जिस बाप को अपने पुलसिया बेटे पर कभी नाज था, उसी बेटे व बेटे के परिवार ने 81 वर्षीय बुजुर्ग व उनकी पत्नी को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। ये मामला शिमला जिला के कुमारसैन थाना के भरेड़ी पंचायत के कठीन गांव में पुलसिया बेटे, उसकी पत्नी और दो पोतों द्वारा 81 वर्षीय बुजुर्ग दंपत्ति को पीटने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बुजुर्ग की शिकायत पर आईपीसी की धारा 451, 341, 323, 506, 34 के तहत मामला दर्ज कर बुजुर्ग का उपचार रामपुर के खनेरी चिकित्सालय में कराया। पुलिस के अनुसार धर्मदत्त वर्मा ने लिखित शिकायत में बताया कि उनका पुत्र जो पुलिस महकमे में है, ने अपनी पत्नी व दोनों बेटों के साथ बिना किसी कारण के मारपीट की। झगड़े का कारण भूमि विवाद बताया जा रहा है। जमीन को लेकर मारपीटकर्ताओं ने पहले उनके दूसरे स्वर्गीय बेटे के पुत्र रजत से झगड़ा और मारपीट शुरू किया। इस पर वे और उनकी पत्नी बचाव में आए तो दोनों की पिटाई कर दी। इस दौरान बुजुर्ग के सर में चोटें आई हैं। बुजुर्ग धर्मदत्त ने बताया कि उनके पुत्र ने मारा। इस दौरान पुलसिया पुत्र के दोनों बेटे भी आए और उनकी बुजुर्ग पत्नी समेत उन्हें मारा। अब उन्हें जान का खतरा है, क्योंकि मकान एकांत में है, कभी भी मार सकता है। उनका पुलसिया बेटा धमकी देता है कि हाईकोर्ट में साहब के साथ हूँ, गोली से उड़ा दूंगा, मुझे कहाँ रहूँ, मुश्किल है। नाम धर्मदत्त है, मेरी उम्र 81 साल है। मेरे को मेरे लड़के स्वरूप ने मेरे को मारा, उसके लड़के भी आए, उन्होंने भी तो बोचा, जगह जगह से मेरे को तो बोचा, तो बोचने के मुताबिक और मेरे को इतना खतरा है कि मेरा अकेला मकान है, कभी मेरे को मार सकता है। आपका लड़का क्या करता है? हाँ, वो हाई कोर्ट में रहता है, हाई कोर्ट के रूप से मेरे को तो बात कहते हैं, मैं हाई कोर्ट साहब के पास हूँ, तेरे को मैं गोली से उड़ा दूंगा। हाँ, अब बताइए मेरे जगह कहाँ रहने के नहीं है। धर्मदत्त के दूसरे बेटे के पुत्र रजत ने बताया कि पुलसिया चाचा और उसके परिवार ने उन्हें दादा और दादी को मारा। बुजुर्ग दादा को सर में चोटें आई हैं, सिटी स्कैन के लिए रामपुर अस्पताल लाए हैं। दादी को भी चोटें आई हैं, उन्हें कुमारसैन हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने बताया कि चाचा धमकी देता है कि पुलिस में जाओगे तो मैं पुलिस में हूँ, कोर्ट जाओगे तो मैं हाई कोर्ट में नौकरी करता हूँ, ऐसे में न्याय के लिए कहाँ जाएं। सर, मेरे चाचे के साथ मेरा झगड़ा था, जिसकी वजह से उसने मुझे भी मारा, मेरे दादाजी को मारा, प्लस दादी जी को मारा। उसके स्वरूप चंद, उसके परिवार, उसके लड़के पंकज वर्मा, उसके लड़के छोटे लड़के पीयूष वर्मा, उसके लाड़ी मिमना देवी ने, इन सब ने सर हम सबके साथ हाथापाई की। तो बुजुर्ग को कितनी चोटें हैं? बुजुर्ग को सर चोटें आपके सामने हैं, जितनी लगी है, सर पे चोटें हैं, कहीं खरोंचे भी है। दादी को भी एक्सरे के लिए कुमारसैन भेजा है, दादा को एक्सरे के लिए सीटी स्कैन के लिए रामपुर भेजा गया है। अब सर आप भी बताइए, जब कुमारसैन जाते हैं तो हमारे को बोलते हैं कि तुम जाके वहाँ क्या करेंगे, मैं पुलिस में हूँ, हाई कोर्ट में नौकरी करता हूँ, जाएंगे तुम कहाँ जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, मैं वहाँ खुद बैठा हूँ। सर हम न्याय के लिए हम कहाँ जाएं, हमारे सर से जाना खतरा है। डीएसपी रामपुर अभिमन्यु वर्मा ने बताया कि कुछ फोटो सोशल मीडिया में वायरल हुए, उसी समय मामला दर्ज किया गया। कुछ डॉक्टरी राय के लिए बुजुर्ग को रामपुर के महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी भेजा गया, जहां से रिपोर्ट आनी बाकी है, उसी के आधार पर आगे धाराएं जोड़ी जाएंगी। जो संभवतः फोटो भी कुछ मीडिया में वायरल हुए थे सोशल मीडिया में, उसी समय एफआईआर दर्ज की गई थी, और जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उनका उसी समय मेडिकल करवाया गया। कुछ मेडिकल ओपिनियन के लिए जिसमें एक्सरे होना था वो रामपुर के लिए रेफर किया गया था कुमारसैन से, तो इसकी अभी फाइनल ओपिनियन आनी शेष है, बाकी इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है। उनको नोटिस देके बुलाया गया है और आगे कार्रवाई मेडिकल ओपिनियन के आधार पर, बाकी भी सेक्शन चेंज हो सकते हैं उसके आधार पर कार्रवाई।